मेरे डैड की दुल्हन सीरियल का हो गया आगाज। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीरियल के कलाकार श्वेता तिवारी, वरुण बडोला और अंजलि तत्रारी अपने इस नए शो के निर्माता दिया के साथ जनता से रूबरू हुए और यहाँ अपने अपने किरदारों का परिचय दिया। मैं गुनीत के रंग श्वेता में लाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि गुनीत बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चुलबुली नहीं है लेकिन फुल ऑफ लाइफ है। मतलब वो ऐसी है कि दो झगड़ा, अगर आपस में झगड़ा करे, दोनों ने कार में भेड़ दी तो ये नहीं कहते कि तूने मेरी कार कैसे ठोकी, कहती ठोक दी कोई बात नहीं, इंश्योरेंस है आपके पास, जाओ जाओ क्लेम करो मैं चलती हूँ। वो ऐसी है। हम लोग कितना भी, मतलब ऑफकोर्स डैड और मैं बहुत डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, लेकिन हमेशा डैड के बारे में सोचने के बाद भी हमेशा एक चीज़ ऐसी रह गई कि मुझे लगा कि हर एक नीड मैं पूरी नहीं कर सकती डैड की, एंड लव कैन कम टू यू एट एनी एज, राइट? तो इसलिए मुझे फील हुआ कि मे बी एक कंपेनियन ढूंढना चाहिए डैड के लिए, क्योंकि मेरी खुद की एक पर्सनल लाइफ है, मेरा खुद का करियर है। तो जब मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं शायद बाहर जा रही हूँ, जो आप लोग शो में देखेंगे कि एक ऐसा पॉइंट आता है वेयर आई गो आउट ऑफ द टाउन, तो तब मुझे लगता है कि अभी तक तो मैं हमेशा मैं करती आ रही हूँ, लेकिन अब जब अकेले हो जाएंगे तो फिर कैसे ये चीज़ों से कोप करेंगे। दैट्स व्हेन आई फील कि डैड के लिए कंपेनियन ढूंढने की ज़रूरत। पता नहीं अभी तक तो इस कैरेक्टर को देख के ऐसा लगता है कि इसको गुनीत सिक्का के साथ दुश्मनी निकालनी थी कि इसने टाका भिड़वा दी है। सही बोल रही है, बहुत ही ग्रम्पी कैरेक्टर है और बहुत ही खड़ूस सनकी टाइप का आदमी है, लेकिन मेरे ख्याल से कभी कभार ऐसा होता है कि लोगों की परिस्थितियाँ जो है उनको वो बना देती है जो कि वो नहीं होते। वरुण और श्वेता दोनों ही अनुभवी कलाकार हैं और अंजलि का ये पहला सीरियल है। यहाँ एक बेटी अपने पिता के लिए दुल्हनिया खोजेगी और ये दुल्हनिया बनेगी श्वेता तिवारी। सीरियल की कहानी दूसरी शादी वाली हो तो श्वेता तिवारी की दूसरी शादी में जो प्रॉब्लम्स हुई उस पर लोग सवाल तो पूछेंगे ही, क्योंकि श्वेता और अभिनव के साथ हुए पुलिस कंप्लेन वाले किस्से के बाद पहली बार पत्रकारों से वो रूबरू हुई है। अच्छा, दोबारा भी प्रॉब्लम? ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता? कम से कम मुझ पे गट्स है कि अगर दोबारा प्रॉब्लम हुई तो मैं पैरों पे खड़ी होकर बोल सकी बिना डर के कि आप लोग मेरे बारे में क्या लिखेंगे। मुझे इसका फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे इसका फ़र्क पड़ा कि जो मेरे बच्चों के लिए सही है, जो मेरे लिए सही है, जो मेरे घर के लिए सही है, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए सही है, वो मैं करूँ। और कम से कम वो लोग जो यहाँ पर भी हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा लोग होंगे घर में पत्नी है लेकिन फिर भी एक गर्लफ्रेंड है, या फिर हस्बैंड है फिर भी एक बॉयफ्रेंड है, उससे अच्छी हूँ ना मैं। उससे बाहर आके बोला ना, डूड आई डोंट वांट टू स्टे विद यू, सो आई डोंट वांट टू स्टे एंड आई डोंट वांट टू डू इट, आई विल डू व्हाट इज राइट विदाउट केयरिंग व्हाट यू पीपल थिंक और व्हाट यू पीपल विल राइट अबाउट मी। और मैं, मुझे लगता है कि हाँ, यू आर राइट, मैं एक ऐसा स्टैंड खड़ा करूँगी उन औरतों के लिए जो डरती हैं कि दोबारा अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हुई तो लोग क्या कहेंगे। वो कुड़ती रहेंगी, डरती रहेंगी, बच्चों को अच्छा ग्रोथ नहीं देंगी क्योंकि ये डर से कि पड़ोसी उनके बारे में क्या कहेंगे। सो लेडीज, कम आउट ऑफ दिस पेन एंड डोंट केयर अबाउट इट। श्वेता अपनी निजी जिंदगी के जरिए महिलाओं के लिए सशक्त होने का संदेश दे रही हैं, तो सीरियल के जरिए एक बेटी अपने पिता के लिए खुले मन का होने का संदेश देने वाली है। कहानी इंटरेस्टिंग है। केबीसी की समाप्ति के बाद सोनी टीवी पर रात 10 बजे से ये शुरू हो जाएगा और वरुण श्वेता की मजेदार लेकिन अनमैच्ड केमिस्ट्री हमें देखने मिलेगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।